हरे कृष्ण। हमने देखा हनुमान जी को इस प्रकार से भरत महाराज, सुमित्रा और कैकेयी का दर्शन हुआ। हनुमान जी सुमित्रा के सामने नतमस्तक होकर के उनके बेटे लक्ष्मण को जीवित लाने का वचन दे करके वहां से उड़ गए। ही न्यू ही हैड वेरी लिटिल टाइम। बहुत फास्ट हनुमान जी द्रुत गति से वापस आए लंका। जैसे ही लंका में उतरने का प्रयास किया, वैसे ही लंका पर पूरा द्रोणगिरी आते हुए देख करके सारे वानर इतने खुश हो गए। दे ऑलवेज न्यू दैट हनुमान जी वुड लिव अप टू द मोमेंट एंड दे वर सो प्राउड ऑफ हनुमान। सारी जो जड़ी बूटियां थी, मृत संजीवनी, शल्यकरणी, स्वर्णकरणी और संधिनी, इन तीन चारों की खुशबू से ही राम और लक्ष्मण रिगेन्ड कॉन्शियसनेस धीरे धीरे। उनका उपचार अभी शुरू होना बाकी है, केवल सुगंध से। जब राम ने देखा लक्ष्मण को, लक्ष्मण जीवित हैं, लक्ष्मण राम को देखते हैं, सुषेण उन दोनों को देखते हैं, वो दोनों सुषेण को देखते हैं, हनुमान जी को पास में देखते हैं, द्रोणाचल है। और अच्छा, इतना ही नहीं हुआ, राम एंड लक्ष्मण वर सो हैप्पी टू सी ईच अदर बिकॉज दे वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर। यस, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापर। हालांकि रामायण है, लेकिन लक्ष्मण कितने प्रिय है, अपने प्राण से भी ज्यादा। ही इज लाइक लॉर्ड राम्स सोल टेकन आउट, ऑल्दो वी नो दैट लॉर्ड राम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज सोल अनलाइक अस। बट फिर भी राम इतना लक्ष्मण से प्रेम करते हैं, वही प्राण ही वापर। प्रभु राम के प्राण बाहर आ जाए तो वह लक्ष्मण का मूर्तिमंत रूप ले लेंगे। अच्छा, इतनी सारी जड़ी बूटियां थी कि सुषेण और उनके सारे डॉक्टर्स ने मिलकर के जितने सारे मृतदेह थे उन सब को जिंदा कर दिया। वानरों की एक पॉलिसी थी, जब भी कोई वानर मर जाता तो आगे जाकर के, क्योंकि युद्ध के बीच में तो दफना वगैरह नहीं सकते, कोई अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, लेकिन आगे जाकर के अंतिम संस्कार करेंगे, इसलिए उन्होंने सारे वानरों की बॉडीज को एक जगह पे अच्छे से स्टैक करके रखा था। जैसे ही ये चारों जड़ी बूटियां आई, वैसे मृत संजीवनी से वो जाग गए, शल्यकरणी से उनके घाव भर गए, स्वर्णकरणी से उनकी अंग कांति रिस्टोर हो गई, और संधिनी से उनके सारे अवयव जुड़ गए। And all the dead vanaras were again live. And Ram was so happy. क्योंकि राम जब भी किसी वानर को मरते हुए देखते, राम को इतना बुरा लगता, अरे मेरे कारण ये निष्पाप जीव मर रहे हैं, केवल मेरे लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहे हैं। लॉर्ड राम had tears in his eyes. इसके विपरीत हम देखते हैं राक्षसों को सप्त आदेश दिया गया था कि जितने भी मर जाते हैं या कट जाते हैं, उसी रात को सबको जल समाधि दे देनी। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन सुबह अगर डेड बॉडीज दिखे तो वानरों को पता चल जाएगा भाई इतने मर गए, तो वो काउंट नहीं देना है कि अरे लगभग कितने मर गए, ये देख के पता चलता है ना। सो अदमास भी नहीं देना है, नो हिंट कि कितने लोग मर गए। सो रावण ने कभी भी किसी डेड बॉडी को या कि इवन डिसएम्बॉडीड राक्षस को जीवित नहीं छोड़ा था, सबको जल समाधि दी थी। एंड रावण वॉज फ्यूरियस, ही वॉज फ्यूमिंग। उसके सामने सारे वानर सेना पूरी जैसी थी वैसी रह गई, और राक्षस तो कितने मरे उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं लॉर्ड राम एंड लक्ष्मण वर सो हैप्पी सीइंग हनुमान हिज डेडिकेशन। राम और लक्ष्मण दोनों को हनुमान जी की प्रथम भेंट, उनकी प्रथम मुलाकात, सुग्रीव से उन्होंने कैसे मुलाकात करवाई, इतने शक्तिशाली होकर के भी वो सुग्रीव के अधीन कैसे रहते हैं, वाली को कैसे उन्होंने धूल चटाई, सीता का खोज कैसे किया, लंका को कैसे जलाया, मुद्रिका कैसे दी,
कर्ण कुंडल कैसे लाई है, सारी चीजें प्रभु राम और लक्ष्मण के हृदय में फिर से ना फ्लैशबैक्स आ रही है। एंड लॉर्ड राम एंड लक्ष्मण न्यू दैट दे कुड नॉट डू एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स और इवन द एंटायर क्रिएशन टू रीपे हनुमान फॉर व्हाट ही हैड डन। यस, इन द मीन टाइम रावण बहुत बौखलाए। दिस वॉज फ्रॉम बोथ द साइड्स, रावण के साइड से और राम के साइड से। दीज वेयर द लास्ट फाइनल डेज, सम डेज ऑफ द बैटल, एंड इट वॉज नेसेसरी कि एक ऑल आउट बैटल हो जाए। यस, नो स्टॉप्स, फुल फ्लेज्ड, एंड वी विल सी दिस टुमारो ऑनवर्ड्स। वेरी